मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर माजबीन है और हम यूहन्नाबाद में खिदमत को सर अंजाम देते हैं। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर बिशप यकूब पॉल साहब की और उसके बाद पॉल टीम की सारी काविशों के लिए कि उन्होंने आज के दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, उसके लिए मुझे नाचीज को मधु किया ताकि मैं खुदावंद के कलाम के वसीला से आज अपनी माओ बहनों तक माँ की अहमियत को जो है वो बयान कर सकूँ। सो मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालिए खरूज 20 बाब और उसकी 12वीं आयत को हम देखेंगे अपनी हदायत के लिए। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र के उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, आमीन। आज पूरे मुल्क में इंटरनेशनली मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आज के दिन को बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट, तसल्ली, इत्मीनान, मोहब्बत और शफकत जो है वो उमड़ आती है। सो मैं आज आपको कलाम के वसीला से बताना चाहूँगी कि मदर्स डे जो है या माँ की अहमियत जो है वो किस कदर इम्पॉर्टेंट है। सो हमने कलाम में से पढ़ा कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। यहाँ पर दो बड़े अहम रिश्ते जो हैं उनका बयान खुदावंद अपने मुँह से फरमाते हैं। पहला नाम है बाप का और दूसरा नाम माँ का लिया गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ जो लफ्ज़ है इसके बारे में जब हम पैदाइश के पहले अबाब में देखते हैं, जब खुदावंद ने आदम को मट्टी से बनाया और उसको बनाने के बाद उसने आदम ही की पसली से एक पसली ली और उसमें से औरत को बनाया और उसका नाम उसने हव्वा रखा। और जब हवा रखा तो खुदावंद के रूह के वसीला से आदम ने हवा को बरकत दी। और बरकत क्या दी? उसने कहा कि तू आज से तमाम जिंदों की माँ कहलाएगी। और जब ये लफ्ज माँ आदम के मुंह से निकला तो हवा खुशी शादमानी से भर गई क्योंकि माँ एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत सारे रिश्तों को आपस में जोड़ता है। हवा एक खूबसूरत माँ थी और बरकत के तौर पर उसको कहा गया कि तू जिंदों की माँ होगी। इसका मतलब है कि जब दुनियावी तौर पर हम आज कि बेटी को जब बहाते हैं, जब उसकी शादी करते हैं तो शादी के फौरन बाद जब उसको ये गुड न्यूज़ मिलती है कि तू माँ बनने वाली है तो इसका मतलब है कि खुदावंद ने जो अपने मुंह से सादर फरमाया कि तू जिंदों की माँ कहलाएगी, यानी कि ये ब्लेसिंग, ये बरकत जब एक शादीशुदा बेटी को मिलती है तो वो बरकत बयान से बाहर। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें शादी के बाद अगर पहले दिनों में खुदावंद उनको उम्मीद से करता है तो वो परेशान हो जाती हैं, वो दुख में आ जाती हैं कि अभी हमने कोई भी खुशी को सेलिब्रेट नहीं किया और ये बड़ा बोझ जो औलाद की सूरत में मुझे मिल रहा है, मैं इस के लिए जो है वो सूट नहीं करती, अभी मैं इस काबिल नहीं कि इस बोझ को उठा सकूं। लेकिन मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको खुदावंद औलाद वाला करता है, आपको उम्मीद से करता है तो ये एक बहुत बड़ी बरकत है जिसको रिसीव करने वाली बेटियां जो हैं, जब उनका बेबी पैदा होता है और जब पहली दफा उनको माँ कहता है तो उस माँ की खुशी बयान से बाहर होती है। आज हमने जब कलाम में से पढ़ा कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना तो इज्जत लफ्ज सुनते ही हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बहुत सारे पहलू नजर आना शुरू हो जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें अपनी माँ की इज्जत करना रवा है। सबसे पहली बात यह है कि जब हमारी माँ
हमें गोद में लेकर दूध पिलाना शुरू करती है। ये जर्नी उस वक्त से ही शुरू हो जाती है कि हमने अपनी माँ की इज्जत करनी है। बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ कि माँ जब छोटा ही होता है बच्चा, तो माँ उसको ट्रेन करना शुरू करती है, उसको सिखाना शुरू करती है कि किस तरह से उसने खाना है, किस तरह से उसने सोना है, किस तरह से उसने लोगों के साथ बिहेवियर करना है। और माँ ऐसी दरसगाह है, ऐसी पहली बच्चे की जो है वो मदरसा है, जहाँ से बच्चा हर चीज को सीखना शुरू करता है। उसका उठना बैठना, खाना पीना, सोना चलना, हर चीज माँ से मिलती है। और माँ जब माँ बनती है तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये है कि उसका सारा ध्यान जो है वो अपनी औलाद और अपने घराने की तरफ हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंत के कलाम में हमने एक मिसाल सुनी है, हिस्केल की किताब में उसके 16वें बाप और उसकी 44वीं आयत में लिखा है कि जैसी माँ वैसी बेटी। यहाँ पर सिर्फ बेटी ही जो है वो अपनी माँ को फॉलो नहीं कर रही, बल्कि बेटा भी अपनी माँ को फॉलो करता है, क्योंकि वो भी माँ ही की गोद से सीखना शुरू करता है। बेटी का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया गया है क्योंकि माँ भी एक बेटी होती है, और बेटी जो है वो माँ को फॉलो करती है, और माँ जो कुछ करती है बेटी उसी डगर पर चलना शुरू कर देती है। और अगर माँ जो है वो रास्तबाज है, माँ खुदावंद से प्यार करने वाली है, माँ खुदावंद से डरने वाली है, हर वक्त खुदावंद के चरणों में रहती है, उसकी हुक्मों की तामील करती है, तो बेटी जो है जो उसके साथ साथ रहती है वो माँ को फोकस करती है, वो माँ को देखती है, और माँ उसके लिए रोल मॉडल है। और जब माँ नेक है, रास्तबाज है, खुदावंद से डरने वाली है, खुदावंद का डर और खौफ माँ के अंदर मौजूद होता है, तो आप इस बात से वाकिफ होना चाहिए आपको कि बच्चा छोटा ही क्यों ना हो वो हर बात को फॉलो कर रहा होता है। अब अगर हम बात लेते हैं बाइबल मुकद्दस में से, तो मैं आपको पहली मिसाल जो है वो माँ की इस तौर से देना चाहती हूँ कि आप याकूब और ईसू दोनों की कहानी से बाखूबी वाकिफ हैं। यहाँ पर हमने देखा कि माँ ने याकूब को झूठ की बिना पर बरकत दिलवाई। उसने अपने बेटे को उकसाया कि तू अपने बाप को धोखा दे, झूठ बोले। और उसने जब उसके बेटे ने कहा कि ये क्यों कर हो सकता है, तो माँ ने कहा ये तू मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कुछ करूंगी। यहां पर बेटा जो है वो माँ से धोखा देना और झूठ बोलना सीख रहा है। और क्या हुआ जब माँ ने इस बात की फिक्र किए बगैर कि मैं अपने बेटे के लिए रोल मॉडल हूँ, मैं अपने बेटे के लिए नमूना हूँ, उसने इस बात की परवाह ना की और उसने अपने बेटे को झूठ बोलने और धोखा देने पर मजबूर किया। और क्या हुआ, इस धोखे के बिना पर उसने बाप से बरकत तो ले ली, लेकिन आज तक वो कौमें, वो कबीले, वो नस्लें इस बात का, इस धोखे का खमियाजा भुगत रही हैं। इस धोखे ने क्या किया, दो भाइयों को आपस में जुदा कर दिया, लड़ाई फितना फसाद उस घर से शुरू हो गया। और क्या हुआ, जब लड़ाई फसाद उस घर में शुरू हुआ तो ये फितना और फसाद कौमों, कबीलों और उम्मतों तक गया। माँ ने क्या किया, माँ ने अपने बेटे को अपनी मर्जी के लिए, अपनी खुशी के लिए उसने बेटे को धोखा देने पर मजबूर किया। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो ऐसा आज के दौर में भी करती हैं, अपनी खुशी और शादमानी के लिए माएँ अपनी जो शादीशुदा बेटे होते हैं उनकी जिंदगियों में फसाद को लेकर आती हैं। और फसाद किस तरह से, कि वो अपने बेटे और अपनी बहू के साथ जो है उनको खुश नहीं देख सकती, हमेशा कोशिश करती हैं कि बेटा जो है वो बीवी अपनी से दूर रहे, उससे लड़ाई झगड़ा करता रहे। मैं सारी माओं की बात नहीं कर रही, मैं चंद माओं की बात कर रही हूँ जो ऐसा करती हैं। और मैं आपसे आज इस पॉल टीवी के वसीला से अपनी प्यारी माओं तक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये खुदा का वादा है, ये खुदावंद के कलाम के उसके मुँह की बात है कि बेटा अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा।
माँ के गलत फैसलों की वजह से, ज्यादा इंटरफेरेंस की वजह से बाप और बेटे में फितना पैदा हो जाता है। बाप और बेटा आपस में लड़ाई झगड़े और जुदा होने तक चले जाते हैं, और मियां बीवी जो हैं, जो एक खुशी इत्मीनान और तसल्ली की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, माँ के ज्यादा इंटरफेरेंस की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, अपनी खुशी और शादमानी की वजह से वो अपने बेटे और बहू को भी जुदा कर सकते हैं। क्योंकि हमने कलाम में देखा कि इस्सू और इब्राहिम दोनों अलहदा-अलहदा हो गए, और किसकी वजह से हुए? मां की वजह से। एक और मिसाल मैं आपके सामने देना चाहती हूं कलाम ही के अंदर से। मत्ती 14 बाप में हम जब देखते हैं कि हेरोदीस की कहानी से हम सारे वाकिफ हैं कि उन दिनों में जब यसुमसी की शोहरत बढ़ गई तो क्या हुआ? हेरोदीस ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये यसुमसी है जो मुर्दों में से जी उठा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने हेरोदियास के वसीला से पकड़वाया, जो हेरोदीस के भाई फिलिपस की बीवी थी, उसके वसीला से उसने यूहन्ना इस्तबागी को पकड़वा लिया। और फिर क्या हुआ? और पकड़वाया क्यों? क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा कि तेरा अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं है, सो वो उसको मारना चाहता था। और जब जश्न का वक्त आया, हेरोदीस के घर में, उसके महल में बड़ा जश्न था, तो हेरोदियास ने अपनी बेटी को कातला के तौर पर वहां पर हम देखते हैं कि पेश किया। जब उसने रक्स किया तो बादशाह ने कहा कि तू जो कुछ मुझसे मांगेगी मैं तुझे वो इनाम में दे दूंगा। और बेटी को माँ ने सिखाया कि तूने जब बादशाह खुश होगा तो तूने यूहन्ना का सर मांगना है। यहां पर माँ ने पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया, यहां पर माँ ने नेगेटिव करेक्टर अदा किया, उसने बेटी को किसी का कत्ल करने पर मजबूर कर दिया। और हम देखते हैं कि कलाम में वाज़िया तौर पर इस स्टोरी के बारे में लिखा है कि बादशाह क्योंकि जुबान दे चुका था, वो कह चुका था कि अगर जो कुछ तू मुझे खुश करे और जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे वो इनाम में दूंगी। और जब बादशाह खुश हुआ तो बेटी ने माँ के कहने पर यूहन्ना का सर मांगा। और फिर क्या हुआ कि बादशाह मजबूर था, उस वक्त अवाम के सामने, अपने फैसले के सामने वो मजबूर था, और उसने यूहन्ना का सर उसी वक्त जो है वो सिपाही के हाथ मंगवाया, और बेटी ने उस सर को लिया और माँ को पेश कर दिया। यहां पर माँ को मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि माँ ने जो कुछ बच्चों को सिखाया बच्चों ने वैसा ही किया, और आज की माँ भी जो कुछ बच्चों को बचपन से सिखाती है बच्चे वैसा ही करते हैं। क्योंकि बाप एक ऐसी शख्सियत है जो ज्यादा वक्त में बाहर रहती है, और माँ बच्चों के करीब रहती है, ज्यादा वक्त बच्चे अपनी माँ के साथ गुजारते हैं, और जब जिस शख्स के साथ बच्चे ज्यादा वक्त गुजारते हैं उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। मैं आज की माँ से कहना चाहती हूँ कि आज अगर आपका बच्चा ज्यादा झूठ बोलता है, अगर धोखा देता है, चोरी फरेब करता है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि उसने अपनी माँ को ऐसे करते देखा है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई फेल है तो मेरी प्यारी बहन, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने आप को दुरुस्त करें, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही बल्कि आप पूरे खानदान के लिए और स्पेशली अपने बच्चों के लिए जीती हैं। और जो कुछ आपका बच्चा आपको देखकर करता है वो ही आगे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और वो नस्ल दर नस्ल वही गुनाह जो है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक और प्यारी माँ को, जो कलाम ही से हम देखेंगे मत्ती की किताब में। देखिए किस तरह से एक रास्तबाज, एक खुदा पर ईमान रखने वाली, उससे प्यार करने वाली माँ है जिसने अपनी जात का इनकार किया। आए मैं आपके साथ छोटा सा हवाला देखेंगे, मत्ती 15 बाप, और मैं उसकी आपके सामने 24वीं आयत पढ़ूंगी। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, आई खुदावन मेरी मदद कर।
उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस कहानी से हम सभी बाखूबी वाकिफ हैं। ये एक ऐसी कनानी औरत की कहानी है जो यीशु मसीह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि यीशु मसीह शाफी है, वो मौजज़ात करने वाला है, उसने मुर्दों को जिंदा किया है, उसने लंगड़ों को चलाया है, उसने अंधों को आंखें दी हैं, वो बदरू गिरफ्तारों को आज़ाद कर रहा है, और वो यीशु मसीह के तारुफ से मोहताज नहीं थी। उसने यीशु मसीह को बखूबी जांच रखा था, और जब खुदावंद यीशु मसीह उसके शहर में पहुंचे तो उसने आकर वहां पर अपनी बेटी के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए, उसने अपने मालिक से यानी कि यीशु मसीह के आकर कहा कि ऐ रब्बी, तू मेरी बेटी को जाकर शिफा दे। और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर उसको फरमाते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं। अब अगर आप सोचे, किसी माँ या किसी बेटी या किसी बहन को अगर कोई कुत्ता कहे तो वो क्या आगे से जवाब देगी? वो औरत होते हुए गुस्से से भड़क उठेगी, वो कहेगी कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, आपने मेरी जात के बारे में ऐसा कहा है, सो मैं जिस काम के लिए आई थी मैं उस काम पर जो है वो थूकती हूँ, गोली मारती हूँ, और मैं अपनी बेटी की खातिर अपनी बेइज्जती कराऊं, अपने आप को मैं जलील कराने के लिए नहीं आई थी बल्कि मैं अपनी बेटी के लिए आई थी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ, उसने किसी किस्म का गुस्सा नहीं किया। माँ थी, क्योंकि वो माँ थी और वो अपनी बेटी को दर्द और कर्ब में नहीं देख सकती थी। और जब उसकी बेटी पर बदरू का अटैक होता होगा तो यकीनन वो बड़ी परेशान होती होगी, और माँ होते हुए वो उसको देख नहीं सकती होती होगी। और उसने क्या कहा? उसने आकर यीशु की मिन्नत की, उसकी तरले डाले, उससे कहा कि रब्बी तू चल और मेरी बेटी को शिफा दे। यहाँ पर देखें, यीशु मसीह ने उसकी बेइज्जती करने के लिए उसको ऐसा नहीं कहा था, बल्कि खुदावंद उसके ईमान और उसकी ममता का टेस्ट लेना चाहता था, उसको देखना चाहता था कि ये किस कदर अपनी बेटी से प्यार करती है और किस तौर से मुझे जानती है। और जब खुदावंद उस औरत को कुत्ते से तशबीह दी तो उसने उस बात की परवाह ना की, क्योंकि एक तो वो अपनी बेटी की तकलीफ से बाखूबी वाकिफ थी, वो जानती थी कि अगर आज मैं यहाँ से अपनी जात के लिए, अपनी अना की खातिर यहाँ से चली गई तो कोई दूसरा नहीं है जो मेरी बेटी को शिफा देगा। उसने वहीं पर ठहर कर खुदावंद को सजदा किया, उसने यीशु अलशाफी को सजदा किया, क्योंकि वो जानती थी कि यही है जो मेरी बेटी को शिफा दे सकता है। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि खुदावंद, कुत्तों की रोटी जो है मालिक के मेज से ही गिरती है, मैं गिरे हुए टुकड़े से ही अपना पेट भर लूंगी। उसने अपनी बेटी की खातिर अपनी अना, अपनी खुदी, अपने आप को उसने मार दिया। ये वो माँ है जिसने अपनी औलाद की मोहब्बत की खातिर खुदावंद यीशु मसीह को उसने जीत लिया। वो जानती थी कि आज मेरी ममता का इम्तिहान तो है ही, आज मेरे ईमान का भी इम्तिहान है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे ईमान से बहुत खुश हुआ हूँ, जा, जैसा तू चाहती है तेरी बेटी के लिए वैसा ही होगा। और इस माँ ने अपनी बेटी के लिए शिफा को ले लिया। आज बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी माएं ऐसी हैं जो जिस्मानी तौर पर तो शायद अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती हैं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी ट्यूशन पर जाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी खुराक हासिल करे, लेकिन वो इस बात से गाफिल हैं कि क्या उनका बेटा, उनकी बेटी रूहानी तौर पर बढ़ रही है। और ये बात उस वक्त माँ के जहन में आती है जब माँ खुद रूहानी होती है, जब माँ खुद जानती है कि कलाम की कुदरत क्या है, वो खुद बाइबल पढ़ती हो, वो खुद रोज़ा रखती हो, वो खुद दुआ में ठहरती हो, तो फिर वो अपने बच्चों के लिए इस बात में फिक्रमंद होगी।
लेकिन अगर वो खुद जो है वो दुनियावी तौर पर जो है बिजी रहती है, वो दुनिया के कामों में बिजी रहती है, तो ऐसी माँ अपने बच्चों के लिए रूहानी तौर पर फिक्रमंद नहीं हो सकती। आज लम्हा फिक्रिया ये है कि मैंने और आपने एक मिसाली माँ बनना है, वो माँ नहीं बनना जो अपने बच्चों को झूठ फरेब धोखा देना सिखाती है, बल्कि वो माँ बनना है जो अपने बच्चों के लिए जान देने तक जाए। और कलाम में जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि तू अपनी माँ की इज्जत कर, आज मैं आज जितने भी टीवी को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी माँ बाप की इज्जत करें। और इज्जत का लेवल ये नहीं है कि जब तक आप छोटे हैं आपको अपने माँ बाप की ज़रूरत है, आप तब तक तो अपनी माँ की फिक्र करें और उसकी इज्जत करें, लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाएं, आप शादीशुदा हो जाएं, आप अपनी माँ की इज्जत करना भूल जाएं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो अपने माँ की बेइज्जती करता है उसका चिराग तारीकी में बुझ जाएगा, यानी कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो किसी भी तौर पर सरफराजी ना पाएगा, वो भागता फिरेगा लेकिन कामयाबी को ना पाएगा। इसलिए जरूर है कि कलाम में लिखा है कि बुढ़ापे तक तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, और स्पेशली माँ की जो अपनी नींद, अपनी जिंदगी को, अपने हर काम को अपनी औलाद के लिए जो है वो कुर्बान कर देती है। आज मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी माँ की इज्जत करें, अपने माँ के साथ प्यार करें। आज मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप एक खूबसूरत फूल लें, आप कोई चॉकलेट लें, आप कोई अच्छा सूट लें, उनके लिए अच्छा गिफ्ट लें, आज जाकर उनको हग करें, उनसे गले मिलें। मैंने देखा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि माँ को गले मिले ही बच्चों को अरसा गुजर जाता है, माँ देखती रहती है कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी बेटी आएगी, मुझे गले लगाएगी, मुझे चूमेगी, मुझे प्यार करेगी, मुझे वक्त देगी। आज दुनिया की मसरूफियात में हम अपने माँ को भूल गए हैं, अपने बाप को भूल गए हैं, उनको वक्त देना नहीं चाहते। लेकिन आज का दिन इंटरनेशनली तौर पर इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इस खूबसूरत रिलेशन को जो है वो कायम रखा जाए, इसको हमेशा याद रखा जाए कि माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है। एक छोटी सी पंजाबी की नज़म आपके सामने पेश करना चाहूँगी, क्योंकि ये आज क्योंकि स्पेशल डे है, माँ के हवाले से है, तो मैं चाहती हूँ आप ज़रूर इसको सुनिएगा। बारिश तेज़ हवाते बदल सब दी अपनी था हुं दिए, तुप्पी भावें चंगी लगे छाते आखर छां हुं दिए, भैन भरा अब्बा ते पुत्र सारे रिश्ते भावें चंगे, सारी दुनिया घूम के वेख्या माँ ते आखर माँ हुं दिए। माँ के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है, माँ के बगैर हम अधूरे हैं, माँ के बगैर हम किसी भी तौर पर सरफराजी नहीं पा सकते। क्योंकि दुनियावी तौर पर जब हम देखते हैं कोई भी शख्स अगर कामयाब होता है तो वो हमेशा एक हस्ती ऐसी होती है जिसका जिक्र करता है कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ का हाथ है। सो अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो रूहानी हो, तो ज़रूर है कि अपनी माँ को हमेशा याद रखें, क्योंकि वही एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा हर वक्त हर घड़ी हर लम्हा आपके लिए दुआ करती रहती है, ताकि मेरा बेटा मेरी बेटी कामयाबी को जो है हमेशा अबूर करता रहे और आसमान की बुलंदियों तक जाए। सो आज का पैगाम यही है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, ख़ास तौर पर अपनी माँ से प्यार करें, उसकी फ़िक्र करें, उसकी इज्जत करें और हमेशा उसको अपने साथ रखें। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। मेरी तरफ से तमाम देखने वाली माओं को, बहनों को बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे, आमीन। आए सारे मिलकर आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद जलाल के बादशाह पाक खुदा, मैं तेरी खादमा होते हुए खुदावंद आज तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ जो तूने मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया, ताकि खुदा मैं अपनी नहीं बल्कि तेरी दी हुई हिकमत के वसीला से आज तमाम माओं के लिए शुक्रगुजारी पेश कर सकूँ जिन्होंने खुदावंद अपनी जिंदगियाँ अपने बच्चों के लिए वफ कर रखी हैं। खुदावंद आसमान के खुदा, मेरी गुजारिश है आज जितनी माएँ इस प्रोग्राम को देख रही हैं
खुदावन तू सारी माओं को उम्र की दराजी अता फरमा और फजल दे के खुदा हमेशा ये सारी माएँ तेरी वफादार रहें और खुदावंद तेरे डर और तेरे खौफ में अपने ख़ानदानों की परवरिश करती रहें, ताकि खुदावंद जलाल के बादशाह हमेशा जो घराना तूने अपनी बेटियों अपनी बहनों को दिया है खुदावंद, वो हमेशा अपने ख़ानदानों की वफादार रहें और पाक खुदा तेरे नाम को जलाल देता रहे। ख़ासतौर पर खुदावंद मैं मिन्नत करती हूँ उन माओं के लिए जिनके बच्चे उनसे जुदा हैं, जिनके बच्चे उनसे मिलते नहीं हैं, वो अपनी माँ की फिक्र नहीं करते। खुदावंद तू ऐसी औलाद पर अपनी नज़र को कर, खुदावंद उन पर अपने फजल को उंडेल, ताकि वो जाने कि खुदावंद पाक खुदा माँ बाप की इज्जत करना किस तौर पर लाजम और मज़लूम है, क्योंकि खुदावंद जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है तू उसकी उम्र को दराज करता है। माँ बाप खुदावंद तूने तोहफे के तौर पर हमें दिए हैं, खुदावंद फजल कर के हम इन तोहफों की कदर करने वाले बने और खुदावंद ख़ास तौर पर अपनी प्यारी माओं के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनको खुदा तूने हलीम फरोतन बनाया, बर्दाश्त करने वाली बनाया, सब्र करने वाली बनाया है। हमेशा खुदावंद तेरी तसल्ली तेरा इत्मीनान तमाम देखने वाले लोगों के साथ हो और ख़ास तौर पर खुदा इस कुल कायनात की सारी माओं के साथ हो, यीशु के नाम के वसीला से आमीन।